ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. ओके, आज कोई टैरो नहीं है, आज कोई रीडिंग नहीं होने वाली है. ठीक है, मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैंडल रिचुअल. ओके, सो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कर रही हूँ एंड खुद के लिए भी कर रही हूँ. ठीक है, बिकॉज ऑफ आज सुपर मून है, ब्लू मून है, आज का दिन बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत हाई है, तो आप लोगों को भी डेफिनेटली रिचुअल करना चाहिए. और एंड ईजीएस्ट जो बेलीफ का रिचुअल है वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है, आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हो. अगर आप कैंडल रिचुअल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो अपने लिए, खुद के लिए. मुझे लगा कि मैं ये ऑलरेडी कर रही थी क्लाइंट के लिए, ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये शेयर करना चाहिए ताकि आप भी खुद से कर. एंड हाँ, आगे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इससे एनर्जी एक्सचेंज होता है एंड मुझे भी मोटिवेशन मिलता है एंड आप भी मेरे फैमिली का पार्ट हो जाते हो. ओके, एंड आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो, मेरी फैमिली का पार्ट बन सकते हो यूट्यूब फैमिली का. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, आपको सिंपली कोई बाउल ले लेना है, आपको प्लेट ले लेनी है, जो भी अवेलेबल हो. ठीक है, मैंने ये नॉर्मल घर वाली स्टील की प्लेट ली है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कांच की लेनी है, कुछ भी ले सकते हो आप नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अगर आपके पास कोई हर्ब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आपके पास कैंडल होना बहुत ज़रूरी है. कैंडल होना बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं अगर आपके पास किसी कलर का कैंडल नहीं है. ओके, तो आप नॉर्मल वाइट कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं इतनी सारी कैंडल्स हैं मेरे पास और आज मैं सारे रिचुअल करने वाली हूँ, तभी तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. मुझे लगा मेरी फैमिली से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट उनको भी तो सीखना चाहिए. एंड हाँ, अभी तो मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे इसका लाइव आपको बताना चाहिए, ठीक है, लाइव आके आपको चीज़ें सिखानी चाहिए कैंडल्स के बारे में, तो मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मेरे पास कॉमेंट आएंगे बहुत ज़्यादा तो मैं डेफिनेटली सिखाऊँगी आप सबको. ओके, और डीप में आपको बताऊँगी, सिखाऊंगी क्या मतलब बताऊंगी, एटलीस्ट आप खुद से तो कर ही सकते हो. ठीक है, सो ग्रीन कलर का जो कैंडल होता है वो मनी के लिए होता है बेसिकली, ब्लैक कलर आपका नेगेटिव रिमूवल के लिए होता है. ओके, ऑरेंज आपका हैप्पीनेस के लिए होता है. एंड हाँ, अगर आपके पास कोई कलर भी नहीं है ना तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मतलब सोचने वाली बात नहीं है, आपको नॉर्मली व्हाइट कैंडल यूज कर लेना है, कुछ भी, किसी भी इंटेंशन के लिए, आपका कोई भी विश हो, कुछ भी हो, आपको वाइट कलर यूज़ कर लेना है. ठीक है, सो नॉर्मल वाइट कलर का कैंडल तो कहीं भी मिल जाता है ना यार, कहीं भी मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं. ओके, हर्ब्स का देखो, मैं हर्ब्स यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. अगर आपके पास हर्ब्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करो. ठीक है, घर में मैं जो सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल सॉल्ट यूज़ कर सकते हो. ठीक है, मैं अपना ये वाला सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही रॉक सॉल्ट है मेरा, बहुत सस्ते में मिल जाता है. अगर आप इसको लेके भी रखते हो अपने घर में तो रखो, इसे यूज़ करते हो, क्योंकि सॉल्ट की बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको डेफिनेटली शेयर कर दूँगी. अगर आपको चाहिए सॉल्ट की रेमेडी तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी आप लोगों को. ठीक है, एंड कैंडल को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है. आप सॉल्ट यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट आपका जो कैंडल्स है ना वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, आप इसको नॉर्मल अगरबत्ती से, धूपबत्ती से, आप किससे भी क्लीन कर सकते हो. मैं यहाँ पे अगरबत्ती धूपबत्ती यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल कैंडल से भी आप क्लीन कर सकते हो कि आपकी कैंडल्स क्लीन होंगे. अब मेरे पास तो इतनी सारी कैंडल्स हैं, आपको नॉर्मली अगर आपकी कोई एक विश है, नॉर्मल कैंडल्स को अपने हाथों में लो. ठीक है, नाउ इंटेंशन इसमें सेट करो अपना कि आप ये कैंडल्स क्यों बर्न कर रहे हो, आपको इससे क्या चाहिए. ओके, ये करना बहुत ज़रूरी है, और आपको ये भी कहना है कि ये नाउ कैंडल जो है वो क्लीन हो गए हैं, आपको विजुलाइज करना है कि आपकी कैंडल जो है क्लीन हो गई है. अब आपको कैंडल्स, ओके, एंड आपकी जितनी विश होगी ना उतनी आपकी कैंडल होगी. आपको नॉर्मल हाथ में ऐसे कैंडल ले लेनी है, इसमें इंटेंशन सेट करना है कि आप ये कैंडल क्यों जला रहे हो. ऐसे आपको आपकी एक विश हो, दो विश हो, आप अपना कर सकते हो. ओके, नाउ कैंडल सारे क्लीन हो गए हैं, इंटेंशन मैंने सेट कर ली है, अब आपको करना क्या है. अब आपको क्या करना है, कैंडल्स पे आप चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, नाम एंड डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो जिसके लिए भी आप कर रहे हो. ठीक है, नहीं भी करोगे स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करोगे तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आपके अकॉर्डिंग है, आप कर सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनके लिए भी मैं कर रही हूँ.
अब नाउ हम यूज करेंगे ऑयल। ओके, अगर आपके पास ऐसा कोई ऑयल है, कोई भी अरोमा ऑयल, एसेंशियल ऑयल है, तो आप यूज़ करो। ऑयल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नॉर्मल पैराशूट ऑयल यूज़ करते कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, नहीं भी है तो नॉर्मल दिया वाला जो हम दिया जलाते हैं घर में वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको ऐसे हाथ पे लेना है थोड़ा सा, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, नॉर्मल कैंडल पे ऐसे लगा लेना है थोड़ा थोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लगाओ, थोड़ा थोड़ा सा। मेहनत के बाद मेरी सारी कैंडल्स लग गई हैं इतनी देर में। चलो अब हम यूज़ करते हैं हर्ब्स का। आपके पास हर्ब्स नहीं है, आप स्किप कर सकते हो टोटली, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आई एम यूजिंग रोज़, मैं ये यूज़ कर रही हूँ रोज़ का। मंगवा सकते हो तो मंगवा लो, प्रॉब्लम नहीं है। आप, मैंने प्लेट में किया है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कैंडल्स थी, ठीक है। आप अगर नॉर्मल बाउल में करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको कैंडल स्टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ कैंडल्स को लगाने में। हम यूज़ करेंगे जैस्मिन, टोटली स्किप है, आप टोटली स्किप कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। नाउ आई एम यूजिंग लेवेंडर। लेवेंडर मैंने ऑयल भी यूज किया है। करेंगे सिनेमन, अगर आपके पास सिनेमन है, सिनेमन पाउडर, अगर आप मनी के लिए कर रहे हो ना तो आप इसको डेफिनेटली यूज करो, मनी के लिए बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ मनी वाली जो कैंडल्स हैं मैं उसी पे यूज करने वाली हूँ, लाइक ऐसे, ये हमारी मनी की कैंडल। क्या करना है ना फैमिली, सिंपल आपको मेडिटेशन मोड पे बैठना है। मेडिटेशन मोड पे बैठ के प्रेयर करनी है, और प्रेयर क्या करनी है आपको, सिंपल प्रेयर करनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप 7 times बोल सकते हो, 7 minutes आप बोल सकते हो तो 7 minutes बोलो, नहीं बोल सकते तो 3 minutes आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड एकदम मेडिटेशन मोड पे बैठ के विजुलाइज करो अपनी प्रेयर, अपनी इंटेंशन अंदर ही अंदर, फॉरगिव करो। सबसे पहले तो आपके अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस है, जितनी भी प्रॉब्लम है, सब रिलीज कर दो, सब कुछ डिवाइन को दे दो, सब कुछ मदर अर्थ को दे दो, कि मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, मैं सबको रिलीज करती हूँ, सब कुछ मेरी लाइफ से निकल जाए, सब कुछ। एंड मेरी लाइफ में अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी मनी अट्रैक्ट हो रहा है मेरी लाइफ में, अच्छा हेल्थ मुझे मिल रहा है, अच्छा मेरी लाइफ में रिलेशनशिप आ रहा है, मैं और मेरे पार्टनर के बीच में सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, सब कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस हो रहा है, चीज़ें ठीक हो रही है। आपको विजुलाइज करना है और ये प्रेयर बोलते रहना है, मन ही मन बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ओके,
एंड हाँ, जितनी भी आपको ये भी बोलना है कि जाने अनजाने में मेरे से जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। ये प्रेयर करनी है थोड़ी देर। और ये जो फुल मून है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। आप इस पर मेडिटेशन करते हो बैठ के, तो वो वाइब्रेशन आपको फील होगा। एंड सिंपली अब आपको अपनी कैंडल्स जला लेनी है। जब आप कैंडल जला रहे होगे, तब भी आपको मन ही मन यही इंटेंशन रखना है कि आपकी सारी विशेज फुलफिल्ड हो रही हैं, आपने यूनिवर्स को बोला है जो जो चीज़ आपको चाहिए। तो आपको बैठना है, अगर आपके पास क्रिस्टल है तो आप क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ध्यान से करना, ठीक, सिंपल। आपको यही करना है, थोड़ी देर आपको कैंडल के पास बैठना है, उसके बाद आपको अपना काम करना है और इसे जलते रहना है, ठीक है। सिंपल आप ये मेथड यूज़ करो एंड अपनी लाइफ में मिरेकल देखो, आपको खुद पता चलेगा मिरेकल क्या है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।